महाभारत काल के दौरान पांडव यहाँ अज्ञातवास के दौरान ठहरे थे और भीम ने इन पांच बड़े बड़े पत्थरों से गट्टे खेले थे। सामने वाला पिलर प्राचीन मंदिर का भाग है जो कि क्षतिग्रस्त है, और बताते हैं कि विदेशी आक्रांताओं ने इस मंदिर पर हमला किया और इसको क्षतिग्रस्त कर दिया था। इन्हीं दो पत्थरों के बीच में वह प्राचीन गुफा है जिसे आपको नज़दीक से दिखाएंगे। इस वक्त मैं खड़ा हूँ चूरू जिले के अंदर स्थित है सांडन गांव में, जो कि इस सालासर धाम से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और खुड़ी गांव से 3 किलोमीटर अंदर की तरफ ये धाम पड़ता है। और ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है सांडन माता का। महाभारत काल से भी बहुत सारी बातें यहाँ से जुड़ी हुई हैं कि यहाँ पर जो पांडव हैं उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था और गट्टे खेले थे। तो तमाम तरीके की जानकारी आज अपन इस वीडियो के अंदर जानेंगे। दोस्तों, सांडन धाम है वो चूरू ज़िले के अंदर स्थित और सीकर जिले की बॉर्डर सीमा पर सालासर धाम से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर में जाने के दो तीन रास्ते हैं, लेकिन ये मुख्य रास्ता है और यहाँ से आपको प्रसाद आदि की दुकानें भी मिल जाएंगी और बच्चों के लिए खिलौने की दुकानें भी सामने हैं। माता का मंदिर पहाड़ी पर ऊँचाई पर स्थित है और बहुत ही शानदार तरीके से नज़ारा सामने दिखाई देता है। ये देखिए माता का मंदिर और अंदर का पूरा दृश्य आपको दिखाएंगे। बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से दिखाई दे रहा है। इस पहाड़ के पत्थर हैं वो बहुत ही आकर्षक हैं, ऐसा लगता है जिसे मनुष्य द्वारा हाथों से बनाए गए हैं और किसी ने इन पत्थरों को यहाँ पे टिका दिया गया। ये देखिए बजरी का ये पत्थर है और इसमें छोटी सी गुफा आपको दिखाई दे रही है। इस तरह की छोटी छोटी गुफाएं पत्थरों के अंदर स्थित हैं। यहाँ से सामने वाले पत्थरों को देखिए कितने आकर्षक नज़र आएंगे, बहुत ही सुंदर है डिज़ाइन से जैसे। और ये देखिए अजगर जैसी आकृति इस पत्थर की दिखाई दे रही है, आँखें कान और बिल्कुल अजगर जैसा ये पत्थर, बड़ा सा पत्थर है और दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ से मंदिर का ऊपर जाने का रास्ता है और ये देखिए दरवाज़ा बना हुआ है कालिका माता का, और ये ऊपर जाने का रास्ता। साइड में जाल लगे हुए हैं और इधर कुछ छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, गाय की है, शेर है, हाथी हैं। और ये है मंदिर का बाहरी दृश्य। पहाड़ी के ऊपर से सामने दरवाज़ा है और दोनों साइड में शेर की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, और अंदर का भाग आपको दिखाएंगे। बहुत सारे भक्तगण यहाँ पे आए हुए हैं। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है और अंदर की तरफ चल के आपको पूरा दृश्य दिखाते हैं, माता का दरबार। मंदिर में प्रवेश करते ही सामने कालिका माता का मुख्य गर्भगृह है। बहुत सारे भक्तगण यहाँ पे आए हुए हैं। ये है माता का मुख्य गर्भगृह है, सामने आप माता के दर्शन कर रहे हैं और माता की ज्योत यहाँ पे जलती हुई लगातार अखंड ज्योत चलती रहती है। और ये माता के दर्शन कीजिए आप, कालिका माता की बहुत प्राचीन मूर्ति है मंदिर के अंदर कालिका माता की, और हजारों लाखों श्रद्धालु है वो साल भर में यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं मंदिर के अंदर। आसपास के गाँव में और दूर दूर तक विशेष आस्था है इस मंदिर के प्रति भक्तों की। गर्भगृह के जो नीचे के पिलर हैं वो अलग दिखाई दे रहे हैं, ऊपर वाले जो पिलर हैं वो नए दिखाई दे रहे हैं। ये जो पिलर है ये पुराना पार्ट है ना? ये सारा पुराना था बनाया। अच्छा, ये पुराना वाला है। तो ये ऐसे ये माता का है, ये का है। दोस्तों, ये जो सामने प्राचीन पिलर्स दिखाई दे रहे हैं ये प्राचीन मंदिर के भाग हैं। ये देखिए आप, खंडित अवस्था में और इनको हटाया नहीं गया है बल्कि मंदिर के अंदर ज्यों का त्यों ही मुख्य गर्भगृह में रखा गया है, और साइड में नए पिलर्स बनाए गए हैं क्योंकि बाहरी भाग है वो पूरा नया नव निर्माण हुआ है मंदिर का। देखिए सामने खंडित अवस्था में दोनों साइड में आपको प्राचीन पिलर्स दिखाई दे रहे हैं। इनकी बनावट है वो बता रही है कि ये बहुत प्राचीन पिलर्स हैं और इनको खंडित किया गया है। आप जानते हो कि मुगल काल के दौरान भारत के अंदर बहुत सारे हजारों मंदिरों को तोड़ा गया था और अपनी जो संस्कृति है उसको
नष्ट करने की कोशिश की गई थी। सामने शिवालय है और ये भाग भी प्राचीन मंदिर का ही अवशेष है, क्योंकि इसकी इस शिवालय के पीछे की दीवार देखिए आप, ये भी प्राचीन जो मंदिर है उसी का भाग दिखाई दे रहा है। ये पत्थर प्राचीन हैं और इन पर जो मूर्तियां हैं वो प्राचीन हिस्सा है मंदिर का, जो मंदिर के अंदर ज्यों का तो रखा गया है। और बाहर की साइड में ये देखिए नवनिर्मित जो दीवार है, मंदिर के नवनिर्मित भाग में भी सुंदर आर्किटेक्ट का काम किया गया है। ये देखिए कालिका माता की मूर्ति और ये मुख्य गर्भगृह के चारों ओर का दृश्य आपको दिखाई देते हैं। ये पूरा का पूरा भाग है, ये नवनिर्मित है। ये दोस्तों देखिए पुराना जो भाग है मंदिर का, ये पिलर बहुत पुराना है, इसकी बनावट देखोगे तो बहुत प्राचीन ये है। और माता जी के बाएं तरफ है वो भैरव जी का मंदिर है। ये देखिए ये हिस्सा पुराने मंदिर का है पूरा का पूरा, और इसके ऊपर नया भाग बनाया गया है। और ये देखिए पांचों पांडव और साथ में उनके द्रौपदी, ये मूर्तियाँ उकेरी गई है दीवारों पर। महाभारत से भी इस मंदिर का जो इतिहास है वो जुड़ा हुआ है। दोस्तों महाभारत काल से भी इस मंदिर की किंवदंतियाँ हैं, जुड़ी हुई हैं। जनश्रुतियों में बताते हैं कि महाभारत काल के दौरान पांडव है वो अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर रुके थे, और बताते हैं कि भीम ने यहाँ पर गट्टे खेले थे और वो पांच पत्थर इसी पहाड़ी पर मौजूद हैं। और इसी पहाड़ी पर एक गुफा है जिसे चोर की गुफा कहते हैं, तो उससे भी एक कहानी जुड़ी हुई है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो भीम ने यहाँ पर गट्टे खेले थे, गट्टे मतलब जो कंचियाँ खेलते हैं बच्चे, उस तरीके से भीम ने यहाँ पत्थरों से गट्टे खेले थे। और सामने जो आपको ऊपर की तरफ पांच पत्थर दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं पत्थरों से भीम ने यहाँ पर गट्टे खेले थे। इस प्रकार की जनश्रुतियाँ हैं। और पत्थर यहाँ विशेष प्रकार की डिजाइन में आपको रखे हुए मिलेंगे, और अचंभा होगा कि ये पत्थर जैसे किसी ने जमाए हों। ये देखिए सामने की तरफ आपको पत्थर दिखाई दे रहे हैं, ये पत्थर देखिए आप, बिल्कुल जैसे किसी ने यहाँ पे रखा हो, और बजरी के ये बने हुए हैं, और आसपास इस तरीके का कोई भी पहाड़ नहीं है। ये देखिए ये पत्थर बिल्कुल ऊपर जो किसी ने लाकर रखा हो, इस तरीके से पत्थरों का डिज़ाइन आपको दिखाई देगा, एक एक पत्थर बजरी का बना हुआ, और आसपास इस तरह का कोई भी पहाड़ नहीं है। ये देखिए जैसे किसी ने यहाँ पे टिकाया हो। ये देखो इस पत्थर के नीचे चोर गुफा यहाँ पे लिखा हुआ है। चोर गुफा का रास्ता है बड़ा। खतरनाक है, निकलना यहाँ से बड़ा दुर्लभ है। दोस्तों ये चोर गुफा का रास्ता बहुत सकरा है, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा है। और अब आपको वह गुफा दिखाता हूँ। ये दो पत्थर आप देख रहे हैं, इनके बीच में वो गुफा है। ये जो दो पत्थर हैं, अब इनके बीच में आपको वो गुफा दिखाई देगी। आपको देखिए एक गड्ढा सा दिखाई दे रहा है इस पत्थर के अंदर ऊपर की तरफ। ये देखिए इसके अंदर काफ़ी जगह है इस गुफा में, यहाँ पर अब कैसे चढ़ते थे, काफ़ी ऊंचाई है देखो। और ये जो चोर गुफा है इसके अंदर चार पांच आदमी हैं वो अंदर रह सकते हैं। और बताते हैं कि उस समय लोहे की बेल या रस्सों का इस्तेमाल करके चोर चढ़ जाते थे। दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।